हम लोग एंटीबायोटिक के सीरीज में अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक के बारे में बात किए थे, तो आज उसी में से एक एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आपको लोमेफ्लोक्सासिन। लोमेफ्लोक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में यूज करते हैं। तो ये कौन सा एंटीबायोटिक है, कैसे काम करता है, कहाँ यूज होता है, प्रेगनेंसी में सेफ है नहीं, कौन से साइड इफेक्ट है, कौन से ड्रग इंटरेक्शन है, आज इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइया में स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लोमेफ्लोक्सासिन आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये फ्लोरोक्विनोल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग 4-5 तरह के इन्फेक्शन में करते हैं। ज्यादातर इसका यूज प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में, यूरिन के इन्फेक्शन में और छाती के इन्फेक्शन में होता है। लोमेफ्लोक्सासिन का अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, यानी कि वो काम कैसे करता है, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर और सिंथेसिस जो होते हैं, इस प्रोसेस को ये रोक देता है। ये बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज एंजाइम पे और टोपो आइसोमरेज 4 एंजाइम के ऊपर बाइंड करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, रिपेयर के लिए और सिंथेसिस के लिए, जिसकी वजह से फर्दर डीएनए बन नहीं पाता है और क्वालिटी डीएनए रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर मैं इसकी फार्माकाइनेटिक की बात करूं तो ये ओरली आराम से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका किडनी में, लंग्स में और प्रोस्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि यूरिन सिस्टम में और लंग्स में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पीक कंसेंट्रेशन होता है वो 1 से 2 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। इसकी आपको एलिमिनेशन हाफ लाइफ 8 से 9 घंटे की होती है। इसकी बायोलिटी बहुत बढ़िया होती है। फूड किसी प्रकार से इस ड्रग से इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो यूजेस 4-5 जगह पे हैं, जैसा मैंने कहा था। अब कंसंट्रेशन यूरिन ट्रैक्ट में ज़्यादा है तो सबसे पहले यूरिनरी इन्फेक्शन में ये अच्छे से काम करता है, जिसमें सिस्टाइटिस हो गया, जो ब्लैडर इन्फेक्शन है, महिलाओं में सिस्टाइटिस ज़्यादा होता है। उसके अलावा और भी जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा है, तो प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट वाले इन्फेक्शन जो होते हैं उस केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, मैंने कहा लंग्स में इसका कंसंट्रेशन अच्छा है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें ब्रोंचाइटिस और निमोनिया। ब्रोंचाइटिस का मतलब है जो श्वास नली है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसमें सूजन आ जाना, श्वास लेने में प्रॉब्लम होना, ब्रोंचाइटिस होता है। और निमोनिया आपका वो पार्ट होता है जिसमें लंग्स जो है वो सूज जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, उसमें पानी भर जाता है, और बच्चों में, बूढ़ों में या फिर जो एकदम नवजात शिशु है उसमें अगर निमोनिया होता है तो उनमें डेथ थ्रेट बहुत हाई होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है उसके, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका यूज़ गोनेरिया में कर सकते हैं, स्किन, सॉफ्ट स्किन जो इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पर कर सकते हैं, ये 2 जगह पर भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस था, बहुत लिमिटेड यूज है, ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन हाँ, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इसका साइड इफेक्ट की बात करूँ तो जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन, इस तरह के साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी फोटो सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब होता है कि इसको लेने से धूप से सनबर्न ज़्यादा देखने को मिलता है स्किन के ऊपर, तो सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए उस केसेस में। और कभी कभी हेडेक और डिजीनेस भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं ड्रग इंटरेक्शन की बात करूं तो कुछ दवाइयां हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, जैसे थियोफाइलिन हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया, प्रोबिनासिड हो गया, या फिर आपको एंटी डायबिटिक ड्रग हो गए। ये 4 दवाइयों का ये कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ा देता है और टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है इन 4 दवाइयों के साथ। इसके अलावा ये जो एंटा एसिड हो गए या सल्फेट कंटेनिंग एंटा एसिड हो गए या मल्टी विटामिन हो गए, उनके साथ भी ये इंटरेक्ट करता है। और जो एंटा एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि लोमेफ्लोक्सासिन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दवाइयां हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है। इसमें सीमेटिडिन भी आप जोड़ सकते हो, जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाता है, ठीक है। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ तो प्रेगनेंसी में इसको जल्दी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। और कोई भी केसेस में आप अगर दवा यूट्यूब वीडियो देख के ले रहे हो तो यूट्यूब वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए है, प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। आप प्लीज़ YouTube से कोई भी दवाई देख के मत लीजिए या इंटरनेट से देख के दवा मत लीजिए। कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेके ही आप दवा का उपयोग कीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये घातक भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।